requires effort. The next is like construction scaffolding and how you have to construct yourself. You have to put yourself under construction and you want to let go. And the whole journey that Mallikarjun ji has described through the crib to sleeping in his parents' bed, to college life, to paintings and ideas in his own place with the sun, all the installations that are here, it's so creative, it's so well thought of. Even those the series of photographs that tell the story of his life, it's beautifully told. And this is story is not a story, and the telling of the story is beautiful. Thank you for telling your story so beautifully. Congratulations, Mallikarjun. I always love coming and being part of an art event. And I'm so happy that you invited me and I could make it though I live the other side of town. And thank you very much. I was very impressed. I loved all the paintings that I saw that you sent to me, your earlier ones, the earlier collection. I've stolen some and I love the idea about, you know, I never thought of it this way, the way you did, because you're an artist. That a bed says so much. Mallikarjun, all my best wishes. I'm sure you will do well. Thank you. It looks extremely unusual. What I particularly like about the show is the people who have come for this show. It's very different from my usual. The audience looks very interested and they look, you know, I must congratulate the artist. I must congratulate the efforts that the artist has put in and wish you all the success. ये जो पूरा मेरा एग्जीबिशन है अब तक का मेरा लाइफ का जो जर्नी रहा है उस चीज़ को ही मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे और यहाँ पे आप सबका आना एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और क्या बोलूँ शब्द नहीं मिल रहे एक्चुअली मेरे को लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ये टीम पोटेंशियल मतलब ये सोची समझा मतलब प्लान किया हुआ तो नहीं था हम लोग ना एक 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 करते मिलते गए अपने सोच मिलती गए अपने काम मिलते गए तो एक 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 करते ना हम लोग जुड़ते गए मतलब पोटेंशियल ऐसे प्लान करके बना नहीं हम लोग ग्रुप बनाएंगे हम लोग शोज़ करेंगे हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे ऐसा कुछ नहीं था हम लोग मतलब मिलने मिलते 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 गए और सोच मिलती गए तो काम शोज़ होते हुए काम होते मतलब शोज़ के शोज़ पे शो तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई एक दूसरे को हम लोग समझते गए सबका मतलब सबका कहीं ना कहीं सबकी सोच एक थी सबको कुछ ना कुछ मतलब एक सबको अपना पोटेंशियल दिखाना था कि हम लोग अपनी सोच कैसी है हम लोग क्या सोच रहे हैं मतलब आर्ट फील्ड में बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन हम लोग पोटेंशियल ऐसा सोच रहा था कि जो सब कुछ हो रहा है तो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करें मतलब प्रेजेंटेशन एक काम तो होता है कि काम अपने आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में कर रहा है लेकिन उस चीज़ को हम लोग कैसे दिखाए कि रेगुलर जैसे गैलरी में आ रहे हैं और पेंटिंग हैंग हो रहा है वही देख रहे हैं वही जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे पूरा ओवरऑल काम होना उस काम को किस तरीके से प्रेजेंट करना और हर एक पार्ट में डिज़ाइन पार्ट हो गया और अपना पेंटिंग का प्रेजेंटेशन हो गया और इंस्टॉलेशंस हो गए मतलब हर एक को अलग लेवल पे अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो पेंटिंग के बाद क्या करूँगा फिर उसका दूसरा लेवल क्या रहेगा इसको और आगे कैसे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल की ये सोच रहे कि अपने काम को अपने सोच को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना कि वो एक ही चीज़
ये ऐसी थी और ये ऐसी भी हो सकती है, मतलब इससे और एक लेवल बड़ी भी हो सकती है, तो पोटेंशियल ये सोच लेके चल रहा है। तो इस शो में मेरे ये बियॉन्ड मी में मेरे पूरे काम, मेरे आइडियाज़ को, मेरे काम को और मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए पोटेंशियल का बहुत बड़ा साथ रहा है। शायद बिना पोटेंशियल का ये शो इस तरीके से नहीं दिखता, शो तो होता लेकिन इस तरीके से नहीं दिखता। अगले आने वाले सालों में मैं मतलब अगर आप इंडियन आर्ट में अगर कुछ बदलाव आया या कुछ चेंजेस आए हैं तो मैं चाहता हूं कि उसका कारण पोटेंशियल बने, कि हम लोग इन आर्ट को कुछ नहीं रहा और नहीं सोच दे और कुछ नया जब होगा तो तब उसका कारण पोटेंशियल रहे। आर्ट फील्ड में कुछ नया हुआ तो उसका कारण पोटेंशियल रहे। ये तो क्या रीज़न मतलब ऐसा था, ये कहीं ना ये मेरी जर्नी थी, मतलब मेरे से ही शुरू हो रही थी, तो उसके लिए मी वो आया नहीं है, मतलब वो था साथ में ही, तो मतलब वो काम होते गए हर एक कहानियाँ मेरे से जुड़ी हुई थी कि हाँ मैं मतलब यहाँ पे तो ऐसा हुआ, मैं जन्म लेने से लेके अब तक का जो जर्नी था मेरा कि मैं ऐसे ऐसे जो सब एक चीज़ें वो उसके साथ में ही ना वो टाइटल मतलब बनते गया और वो रखा गया नहीं नाम, वो मतलब वो आया हुआ है, मतलब वो मेरी थी तो आ गया। I love art, so I keep them all over my walls. It's very personal. Art बहुत personal चीज़ होती है, तो या तो आप connect करते हो या तो आप connect नहीं करते हो। तो हमेशा जब मैं कोई exhibition में जाने वाली हूँ, especially for inauguration, मैं हमेशा पूछती हूँ मुझे images भेजना, क्योंकि images के हिसाब से पता चलता है कि do I connect to that type of art or not. तो उन्होंने जब मुझे मल्लिकार्जुन के photos भेजे थे, उनके works के photos भेजे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। एंड यहाँ पर आके जिस तरीके से उन्होंने कहानियाँ बताई हैं अपनी ज़िंदगी की, ह्यूमन बींग्स के बारे में, वो एंड हर एक इंस्टॉलेशन जो उनका है इतना इंटरेस्टिंग है। एक इंस्टॉलेशन वीडियो इंस्टॉलेशन है जहाँ पे एक आदमी केला को छिल रहा है, उसका मतलब है कि हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत होती है। फिर दूसरे में एक स्कैफोल्डिंग, जो कि बिल्डिंग्स जब हम बनाते हैं तो वो बांधते हैं, बम्बू बांधते हैं, तो वो एक इंसान के भीतर बनाया है कि हमें अंदर की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, हमें अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, बिल्ड ourselves to be better people, and also एक फुग्गा है जिसको वो छोड़ देते हैं, उसका मतलब है बुरी आदतें, बुरे सोच विचार, उनको जो बुरा हुआ है ज़िंदगी में सब कुछ को बस छोड़ देना चाहिए। तो वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, एंड ये जो मेरे पीछे में है, यू नो, द कलेक्टिव, कितने सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये है, तो उनकी ज़िंदगी में ये इसका मतलब है कि जितने सारे उनकी ज़िंदगी में आए सब को हमेशा जोड़ के उनको रखना है। तो इट्स वेरी स्वीट, हर आर्टिस्ट का अपना अपना कहानी होता है। मुझे आर्ट तो बहुत ही पसंद है, मुझे इनके वर्क्स बहुत पसंद आए। या फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अनदर फीलिंग टू जस्ट एंटर जहांगीर आर्ट गैलरी एंड यू नो टू सी द एग्जीबिशन ऑफ सो मेनी आर्टिस्ट एंड देन टू बी अ पर्सनल गेस्ट एंड अ पर्सनल इनवाइटी ऑफ एन आर्टिस्ट हु इज सो एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मल्लिकार्जुन। ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. We've never thought of it as a story to tell. You know, the place where you sleep, when you look at it, it all has a story. I mean, a cradle has its own story, and then a bachelor bed has its own story, and then, you know, you have those crumpled sheets which tell another story. So the way he's done his presentation is amazing, and the way his thought process works is so typically like only an artist can think of. I mean, I can't think like that. And I have two of his paintings, which are very, very beautiful and very macho. So it's nice, and I'm very proud to be part of this. And I liked his speech; he was so emotional, and he was more happy that we turned up. And he doesn't realize that he's just so brilliant, and that's why everyone has turned up to support him on this day. बहुत ही different show है. ये actually एक group है. ten people's का potential. तो ये ग्रुप है, इनमें सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं इनमें, और जो मल्लिकार्जुन साहब हैं इनके भी बहुत ही अलग ही बहुत ही डिफरेंट काम है, तो अच्छा लगा देख के, बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग आइए, आप देखिए कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा वर्क है इन लोगों का। आर्टिस्ट के लिए मैं दो लाइन गा सकता हूँ। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ये
अच्छा, बहुत ही डिफरेंट लगा जिस तरह से मल्लिकार्जुन जी ने अपने जर्नी को, लाइफ के जर्नी को जिस तरह से व्यक्त किया है, अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, और जो उन्होंने सब्जेक्ट लिया है बेड, तो अमेजिंग है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। I mean, this show is very different and nice. So it's really nice to see something different, you know, after a long time. And I just wish him all the best. I am very happy to have Mallikarjun's works in Jehangir Art Gallery today. And I have known them, this group called Potential. They are basically 10 artists who have were shown in Artist Center last few months back. And this is the first of their series of solo shows. And I'm really happy that as Brinda said, even the people who came here are very interesting. So I find it a very good gathering for a very good show of works, very expressive. And I wish him all the best. Artist Mallikarjun Katke, group Potential. So yahan pe aake actually नया कुछ देख रहा हूँ यहाँ पे, इंस्टॉलेशन, पेंटिंग, और यहाँ पे जो बचपन से थोड़ा मिडिल एज, उसका बाद शादी का बाद जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत अच्छा लगा। और पेंटिंग तो ग्रुप मतलब फैमिली, और हर जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है सोच है, थॉट है, भी मेरा अच्छा लगा। और आर्टिस्ट को कंग्रेचुलेशन में बता रहा हूँ, और भी आगे जा पाए और अच्छा काम करें, और सबका साथ। अभी मुलाकात हुआ वहाँ पे, काफ़ी आर्टिस्ट है, और बाकी सब पेंटिंग तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ओके, दिस प्रेजेंट शो इज़ आर टीममेट्स मल्लिकार्जुन एस काटके, इन ब्रैकेट्स वी कॉल हिम अर्जुन, एंड ही इज़ रियली अर्जुन ऑफ आर होल पोटेंशियल टीम, एज इन ही any work given to Arjun, he is ready to do it, so as is his work also. He is basically working on his life experiences of, you know, past, present, and how he has collaborated all his experiences and connecting from his childhood. He has been having a struggling childhood, so since his childhood, what all he has faced, how he has gone through it, and after his studies, everything is you can say everything is gathered in stored in this particular show, and that's why he's titled it as Me Beyond Me. Now when it comes to our team, as I said, Arjuna is really Arjun of our team. So not just Arjun, besides everyone else in Potential team, we do tits to bits everything, right from nailing to anything. I'm speaking like I am speaking now. I do writing, Moushmi does the talking part, Akhilesh Bhaiya and Arjun does the art direction part, or you can say the design part of the show, how to present it. Kuldeep is there and Anna is there. Everybody has their own role to play in the team, and everyone does it so well. Besides being artists, they justify their role, and that's what that there lies our strength in the team Potential, and that's why we have named it also as Potential. So each and everyone, besides being an artist, we have a hidden potential which is being enhanced in, and we are moving forward. Hi, I'm Akhilesh. Potential team ka ek part hu main. Ye Mallikarjun ka pura show hai. Mallikarjun ne apni journey ko dikhaya is show mein. एक्चुअली मल्लिकार्जुन का विषय ही रहा है, खुद पे वो अपना काम करता है, खुद को लेके काम करता है। ये पूरे शो में उन्होंने खुद को और खुद के जर्नी को दिखाया है, उन्होंने अपने बेड के सीरीज को दिखाया है, जो अब हर स्टेप में कैसे कैसे उनका जर्नी हुआ है, बेड के बाद कौन सा बेड आया, फिर उनका थर्ड बेड हमारे वर्कशॉप का है जहाँ पर मल्लिकार्जुन रहता है। वो बेड का हाइट होने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे वर्कशॉप के काफ़ी सारे सांप हैं, तो उसका सोचना था कि हम हाइट पे होंगे तो शायद सांप नहीं काटेगा, इसके लिए शायद उन्होंने उस बेड को काफ़ी हाइट बनाया है। मल्लिकार्जुन पूरे सीरीज में अपने जर्नी को दिखाता है, वो पुराने काम के ही सब्जेक्ट को उसने वीडियो में कन्वर्ट किया जो यहाँ पे है। और मल्लिकार्जुन काफ़ी अच्छा एडिटर भी है, एडिट भी अच्छा करता है, और काफ़ी अच्छा फोटोग्राफर भी है।
तो उन्होंने इसलिए वीडियो आर्ट को पकड़ा क्योंकि उसके पास स्पेस था उस पर कुछ काम करने के लिए। और मैं एक माध्यम हूँ पोटेंशियल का, और मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे शो को कैसे डिस्प्ले करे, कैसे डिज़ाइन करे, वो मेरा कॉल होता है कि शो कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, कैसे डिस्प्ले किया जाए, लाइटिंग का कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज काम करने से कुछ नहीं होने वाला है, काम को आप कैसे दिखाते हो, ऑडियंस के सामने कैसे रखते हो। काम तो हर कोई अच्छा कर रहा है, अपने लेवल पर हर कोई अच्छा काम करता है। मैं, मुझे भी लगता है, मेरी बेटी भी बोलती है पापा बहुत अच्छा काम किए, हर कोई अच्छा काम करता है, लेकिन काम के अलावा आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप कैसे डिस्प्ले करो, कैसे एक पूरा शो को डिज़ाइन करना। एक पैकेजिंग होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है पूरा डिज़ाइन किया जाता है, विदाउट डिज़ाइन किसी शो को सक्सेस बनाना हमारे लिए या पोटेंशियल टीम के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पोटेंशियल टीम पूरे होशो हवास में काम करते हैं और सोच समझ के काम करते हैं, डिजाइनिंग से लेके छोटे से कील कहाँ लगनी चाहिए। पोटेंशियल का क्या है कि एक तो आप दिखो, दिखो तो ऐसे दिखो कि लोग बोले कि वाह, आपको भी पीआर करने में तब मज़ा आएगा जब आप बोलोगे कि वाह ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा कुछ है। हाँ, बोलना पड़ेगा ना, सच्चाई है ये, क्योंकि आपको भी मज़ा आना चाहिए। और आप खुद आओ और इस पल को जियोगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। और जीने का एक एटमोसफेयर देना आर्टिस्ट का काम है, काम के माध्यम से भी और काम के बचे हुए वॉल के माध्यम से भी, क्योंकि हर स्पेस का अपना महत्व है, क्योंकि हम स्पेस छोड़ेंगे तब आपके काम को इम्पोर्टेंस मिलेगा, मेरा कोशिश वही रहा है। हाई, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अर्जुन, एंड ये शो बहुत बहुत ही धमाकेदार रहा। अर्जुन से जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी ज़्यादा अर्जुन ने काम किया, एंड टीम पोटेंशियल के मेंबर से बिलोंग होने के नाते मैं अर्जुन की इस शो को बहुत ही आगे देख रही हूँ। एंड टीम पोटेंशियल इस तरह से अगर काम कर रहा है ना, तो ये आज से आने वाले 10 सालों में आर्ट में बहुत ही आगे होगा। एंड कॉन्सेप्ट वाइज एंड शो को जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं तो शो अच्छा होना ही है। ऑल द बेस्ट अगेन अर्जुन। मल्लिकार्जुन का शो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका जो कंसेप्ट था वो एकदम डिफरेंट था, और जो उनके लाइफ का जो उन्होंने पार्ट जो यहाँ पे दर्शाया हुआ वो काफ़ी मतलब अच्छा रहा, और देख के कुछ एकदम नयापन लगा जो एकदम डिफरेंट था, तो मुझे बहुत मज़ा आया देख के शो, और उनको कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। वर्क वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इन दिस बॉडी ऑफ वर्क he is trying to move and show his journey through space and time. If you see the central piece of this exhibit, it's after all a simple dwelling and sleeping place. It's the bed or the cot. But what he has done is to look at different stages of his life through this as a metaphor of bed. So the first one is a cradle, you know, it all happens to every human being, that when we are born, we are in the cradle, and then we don't know what happens there. It's only a memory, very distant. Then we go to the next stage of bed, where we are cuddled by our parents. So we would like to be there, protected by the father and the mother. And the next stage, as we grow, we want to be independent of father and mother. We want a separate room. We want a separate cot. We want a separate bed. We don't want the protection we had earlier. So he depicts it in the third stage. And in the fourth stage, as a struggling artist, when he came to Bombay, he was trying to find a place not only in the art world but physically too. And it was a very struggling time, and then he remembers that quite vividly. And what happens as a metaphor, the thread carries on, and there he sees that he's sleeping on a cot in a small dungeon sort of a situation in a workshop. And here he fears because there are some snakes lurking around, and so he elevates, he creates his own cot and his own bed, which goes above the ground with this mental satisfaction or mental comfort that the snake will not come and climb the cot. And finally, now he's a married man, now of course he's very well settled, he's not in that dungeon or a whatever hole he was in earlier. Now he's got his own flat, he's got his own family. And he's now married, and then suddenly in the same cot he has another individual to share his bed, to share him, and to share his
emotions and feelings. So the whole thing. So he's a young chap. So his court ends here at this point of time. But as a writer, as a senior person, I would say the sort of journey starts from here. So he's going to continue this journey, and then we all know where he's going to end. But to use this as a metaphor, bring it on a stage like Jehangir Art Gallery for his solo show is remarkable. So the use of material, the use of the concept, of course, using other techniques like these paintings, these watercolors, the video, it's remarkable. I wish him all the best, and then he has a long way to go, and then he will do well, surely. Thank you. तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारी